नमस्कार, आप देख रहे हैं द वंदे भारत। गोवा के राज्यपाल सत्यपाल मलिक का मंगलवार को मेघालय तबादला कर दिया गया। सत्यपाल मलिक वहां तथागत राय की जगह लेंगे, जबकि महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को गोवा का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। मोदी कैबिनेट के इस फैसले पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मोहर लगा दी है। सत्यपाल मलिक का एक साल में यह तीसरा तबादला है, जबकि तीन साल में चौथा राज्य है जहां का राज्यपाल बनाया गया है। समाजवादी पार्टी छोड़कर बीजेपी का दामन थामने वाले सत्यपाल मलिक को पहली बार बिहार के राज्यपाल के तौर पर नियुक्त किया गया था। केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार आने के बाद 30 सितंबर 2017 को सत्यपाल मलिक को बिहार का राज्यपाल बनाया गया और एक साल का कार्यकाल पूरा होने से पहले ही 23 अगस्त 2018 को जम्मू कश्मीर तबादला कर दिया गया। हालांकि इस दौरान सत्यपाल मलिक को 2018 में कुछ महीनों के लिए ओडिशा का अतिरिक्त प्रभार भी दिया गया था। सत्यपाल मलिक ने 23 अगस्त 2018 को जम्मू कश्मीर में राज्यपाल का पद संभाला था। जम्मू कश्मीर में वो 14 महीने तक यानी 30 अक्टूबर 2019 तक रहे। सत्यपाल मलिक के राज्यपाल रहते हुए पिछले 5 अगस्त को केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 317 को खत्म किया था। इस दौरान सत्यपाल मलिक ने काफी अहम भूमिका निभाई थी। केंद्र ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाया। यह फैसला 31 अक्टूबर से लागू हुआ था। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 25 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर से ट्रांसफर कर उन्हें गोवा का राज्यपाल नियुक्त किया था। मलिक ने 3 नवंबर 2019 को गोवा के राज्यपाल पद की शपथ लेते हुए कार्यभार संभाला। अब एक साल पूरा होने से पहले ही उनका तबादला मेघालय कर दिया गया। मेघालय में वो तथागत राय की जगह लेंगे, जिनका 5 साल का कार्यकाल पूरा हो गया है। देश दुनिया की और भी खबरों के लिए देखते रहिए द वंदे भारत।